las inicias se va a dar un poco. कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अजान भाई, सबसे पहले आपको नई फिल्म के लिए मुबारकबाद देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बात करें इस फिल्म की, किस तरह की फिल्म है, जहाँ सिनेमा हॉल जहाँ जिसका मुहूर्त है, बच्चे पार्टी रखी गई है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये फिल्म आई थिंक इट्स अ हॉरर फिल्म, बट बहुत डिफरेंट किस्म की हॉरर है। ऐसी नॉर्मल जो आती है फिल्में जो एक्चुअली वैसी नहीं है कि इसमें स्किन शोइंग एंड ऑल दिस, यू नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट हॉरर। इसने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सोचा है और ट्रू कहानी है, सच्ची कहानी पे बेस्ड फिल्म है। यूपी में ये हादसा हो चुका है और मेरे डायरेक्टर पुष्पेंद्र के बहुत ही करीबी रिश्तेदार के साथ, रिलेटिव के साथ में ये हादसा हुआ है और इनको पूरी चीज़ें वहाँ की एकदम डिटेलिंग में पता है। तो इससे क्या आसानी होगी कि डायरेक्टर के बहुत करीब लोगों के साथ ये हुआ है। और मैं भी मानता हूँ कि घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं, अगर भगवान है तो शैतान भी है, और मैं मानता हूँ ये चीज़। आप किस किरदार में दिखाई देंगे इस फिल्म की अगर बात करें? मैं हीरो हूँ फिल्म का, गलती से इन्होंने मुझे ले लिया है फिल्म में। अब पता नहीं भूतों के बीच में ये मुझसे क्या कराने वाले हैं। लेकिन टाइटल की बात करें तो सिनेमा हॉल, भूत का कहीं लेना देना नहीं है तो उससे? सर सिनेमा में भूत है, हम लोगों ने कई लोगों को सिनेमा दिखा दिखा के बिगाड़ दिए, भूत बना दिए। देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, सिनेमा के अंदर भूत है सर। हाँ, मेरे साथ सारा खान है और वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी है और संजय मिश्रा जी है और नई हीरोइन है, नई लड़कियां हैं दो तीन। तो डायरेक्टर ने मेरे बारे में अच्छी तरह से सोचा है, उन्होंने कास्टिंग करने के टाइम पे तीन लड़कियां मेरे ऑपोजिट हैं। सारा के साथ कैसी केमिस्ट्री आपकी? सारा के साथ बहुत अच्छी दोस्त है मेरी और हम लोग ने साथ में काम किया है और टीवी का बहुत बड़ा नाम है और साथ में अभी भट्ट साहब की फिल्में आ रही, मोहित सूरी की फिल्म है, वो विद्या बालन इमरान हाशमी के साथ ऑलमोस्ट सेकेंड लीड, सो इट्स गुड एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस ऑल्सो। आपने अपने किरदार के बारे में पूछा था, आपने बात को घुमा लिया, आप अपने किरदार के बारे में? सी मैं इसलिए कि मैं सच बताऊं तो मैं अभी किरदार सिर्फ उसका वन लाइनर सुनाऊं मुझे अच्छा लगा है और ये मेरे दोस्त हैं, इनको मैं मना नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ फंस गया। अब किरदार पूरा सुनने के बाद मैं उस पर वर्क करूँगा और उसको बाहर लेके आऊँगा। एजाज खान बहुत स्टाइलिश हो गए हैं अभी आने वाले दिनों में, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे, स्टाइलिश होते जा रहे हैं, क्या बात है भाई? कुछ डिज़ाइनर दोस्त मोहब्बत ज़्यादा करने लगे, कीर्ति राठौड़ का है ये और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उन्होंने मुझे कुछ बोला है कि तुम ये पहना करो अच्छे लगते हो। तो कीर्ति, रनिंग प्रोजेक्ट क्या कहते हैं आप? रनिंग प्रोजेक्ट है मेरा लव डे जो आने वाला है, उसमें बहुत डिफरेंट फिल्म है, तीन दोस्तों की कहानी है और आजकल जो प्रैक्टिकल आर्टी मतलब प्रैक्टिकल लोग हो गए कि BMW वाला दोस्त है तो उसको पहले इन्विटेशन दो और साइकिल वाले को बाद में बुला, नहीं तो दो लोग साथ में लेके आएगा। तो वो जो दोस्ती की वो सीमाएं मरती जा रही है उसके लिए हमने एक फिल्म बनाई है लव डे और इंशाल्लाह आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। एजाज खान पहले से बदल गए कि आज वही एजाज खान है, एक के बाद एक फिल्म में बहुत बिजी हो गए एजाज खान, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो वही हूँ यार, बस मैं तो वही हूँ, कारवां चलता जा रहा हूँ, कारवां बनता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, प्यार मिल रहा है, काम मिल रहा है, जो चीज़ की मैंने बचपन में विश किया था वो अल्लाह ने पूरा किया, तो आई एम सो हैप्पी यार। बॉलीवुड ने मुझे अपनाया, मुझे फैंस मिले,
इतने सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और करते रहेंगे, और भी दुआओं की जरूरत है। आई एम हैप्पी। सर क्या कह रहे हैं एजाज जी के बारे में, आपने एजाज जी को लिया सारा और एजाज के बारे में? मतलब जैसे ये रियल में हैं वैसा ही करेक्टर मेरी फिल्म में है जिसकी वजह से मैंने इन्हें कास्ट किया, क्योंकि एक एक्टर जब कोई चीज़ उसके मन की मिल जाए करने को तो वो परफॉर्म बहुत बेटर करता है और उसका रिजल्ट वो 1000% देता है। तो मुझे मालूम है कि मेरे इस कैरेक्टर के साथ एजाज भाई जस्टिस करेंगे और एक अच्छी फिल्म हम मार्केट में देंगे और वैल्यू भी उसकी होगी। बट अब एजाज भाई है तो आगे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्शन में हैं, डायरेक्ट कर रहे स्टोरी को, एक लाइन में अगर स्टोरी की बात करें क्या कहना चाहेंगे? सर एक लाइन की स्टोरी ये है कि अक्सर लालच इंसान को बर्बाद कर देती है, कभी कभी वो करने पे मजबूर कर देती है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो कभी भी लालच करो उससे पहले इंसान को सोच लेना चाहिए, यही वन लाइन है। भूत प्रेत पे आप कितना विश्वास रखते हैं? मैं सच कहूँ तो मानता हूँ यार, मैंने देखा है और जो भी चीज़ गीता में, कुरान में, इस्लाम में लिखी है वो चीज़ है कि शैतान है तो भगवान भी है, अल्लाह भी है तो शैतान भी है। तो ये चीज़ है और मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ों को पावर दिया गया है और ऊपर वाले ने दिया है। कुछ वक्त में उनका पावर आता है, कुछ टाइमिंग होते हैं उनके, उस टाइम पे ये लोग करते हैं। भाई एक साथ में दो खान को लिया आपने, क्या केमिस्ट्री है? सारा खान और एजाज सर वो वक्त आने पे पता चलेगा केमिस्ट्री क्या था। एक्चुअली केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी है दोनों की, अच्छे फ्रेंड हैं और दोनों बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैंने ये सोच के तो कास्ट नहीं किया था कि मैं दो खान को एक साथ लेके आ रहा हूँ, बट जस्ट मेरे कैरेक्टर को जब मैंने सारा को भी कास्ट किया इसमें तो सिर्फ अपने कैरेक्टर को माइंड में रख के उसे कास्ट किया। एजाज भाई को आज ही पता चला कि सारा भी फिल्म में, और इत्तेफाक की एक दिन हम एजाज भाई मिल गए चाय कॉफ़ी के बाहर और माइंड में वही चल रहा था और मैंने बोला आपको फिल्म करनी है मेरी। गाने की बात करें, किसने म्यूजिक दिया इसमें? सर अभी एक्चुअली इसमें म्यूजिक का तो कुछ वैसा है नहीं, बिकॉज हमने प्रमोशन सॉन्ग्स वगैरह रखे हैं मूवी में, बट मूवी में एक्चुअल सॉन्ग नहीं है, तो सिर्फ प्रमोशन सॉन्ग्स एजाज भाई और सारा के इस तरह से सॉन्ग्स हैं। तो अभी म्यूजिक हमने फाइनलाइज नहीं किया कि हम किसके साथ कर रहे हैं। थैंक यू। नहीं पूरा पेन करके मैंने किया नहीं यार, हो गया भाई। एक्सक्यूज मी सर, सर सर एक आपके साथ यहाँ पे इधर आ जाओ सर। थैंक यू हो गया। परिचय करना नीचे जी। सबसे पहले आपका नाम? संदीप शुक्ला। चेतन पारिक। चेतन जी बात करें, किस तरह की फिल्म है ये? अगर बात करें हॉरर फिल्म है और एक रियल स्टोरी के ऊपर फिल्म है पूरी, और आज तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आ चुकी, उसको किस तरह की कोशिश करें, हम कुछ अच्छी तरह से कुछ करेंगे, कुछ डिफरेंट करने चाहते हैं। अभी तक कितनी फिल्में आप बना चुके हैं? मैं तो 3-4 फिल्म कर चुका हूँ अभी, बक बैक मॉन्ग, देन आई हैड सम एक्सपीरियंस विद फिल्म प्रोडक्शंस, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, दैट्स आई एम डूइंग। ये कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आया? अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में नहीं आया था, कॉन्सेप्ट डायरेक्टर के दिमाग में आया था और वो कॉन्सेप्ट हमें पसंद आया। बेसिकली 4Dimension कंपनी है जिसने इस सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया हुआ है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज करेंगे एज अ गॉडफादर फिल्म के बैनर के अंदर, और कॉन्सेप्ट जो था कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। सिनेमा हॉल के अंदर फिल्में बहुत देखी गई हैं, सिनेमा हॉल के बारे में फिल्म पहली बार मैंने कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे बढ़िया लगा,
और जैसा कि एजाज ने बताया आप लोगों की कहानी एकदम रियल इंसिडेंट को लेके है, तो थोड़ा सा है मज़ेदार है, आप लोग देखोगे अच्छा लगेगा, सुनने में मज़ा आया हमको, देखने में मज़ा आएगा। प्रोड्यूसर होने के नाते अगर बात करें आपसे, कितने बजट के और एजाज को और सारा को लेने का खास मकसद है? एजाज और सारा को लेने का खास मकसद वो डायरेक्टर ने सोचा था, उनके अकॉर्डिंगली उनको कास्टिंग सही लगी, तो उन्होंने उनको हमें कहा कि भैया मेरे कहानी के हिसाब से ये कास्टिंग शूट करती है, तो हमने उनको सेंड कर दिया। कब तक बनकर तैयार हो जाएगी मूवी? ये हमारे यहाँ प्लान है, हम इसको जून में स्टार्ट कर रहे हैं और वन शेड्यूल है तो अगस्त तक आई थिंक प्लान हो जाएगी, अक्टूबर में उसको प्लान करेंगे रिलीज़ करने, सितंबर अक्टूबर। ठीक है, बंद करा बंद। सर सबसे पहले आपका नाम? सर अवजीत सिंह। इस फिल्म से कैसे जुड़े हैं सर आप? गॉडफादर फिल्म्स मेरी कंपनी है, मूवीज रिलीज करते हैं, काम है हमारा। कॉन्सर्ट बहुत अच्छा लगा, द सिनेमा हॉल टाइटल भी अच्छा था, समझ में आया इसलिए जुड़े साथ। क्या स्टोरी लाइन है इसकी बात करें, आजकल बिजनेस के कम है, अगर बिजनेस के हिसाब से देखें क्या कहना चाहेंगे? ये बिजनेस तो एक है ही है इसमें, लेकिन मूवीज बनाना, उनको रिलीज करना प्रोडक्शन हाउसेस का एक पैशन भी है। जो बिजनेस के तौर पे चलते हैं वो फिर सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, जो थोड़ा थिएटर के पीछे चलते हैं वो फिर एक अलग चीज़ होती है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बात कर रहे हैं, कमर्शियली एजाज खान के बारे में बात करें क्या कहना चाहेंगे? एजाज खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बढ़िया आदमी, ये कहना चाहूँगा। फिल्म कब तक बन के तैयार होगी? फिल्म ये जून में फ्लोर पे जाएगी और जुलाई एंड तक कंप्लीट कर लेंगे, अक्टूबर दिवाली के आसपास रिलीज कर लेंगे। सर बॉलीवुड इंडिया टीम में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर आप फिल्म की बात करें क्या कहना?